आज का जो टॉपिक है वो है तालियां। मैं तालियों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। एक बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो वो ताली बजाने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। उसको दूसरों के लिए ताली बजाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो प्रारंभ में जाता है तो ये भी नहीं मालूम पड़ता कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आगे चल करके बहुत अच्छा कर पाते हैं, शुरुआती दिनों में देखा गया है कि उतने अच्छे वो नहीं थे। क्या होता है कि हम जब जाते हैं तो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ताली बजाना है। शुरू में कोई क्लास का इवेंट होता है तो हम ताली बजाते हैं। थोड़ा बड़ा इवेंट हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ तो हम ताली बजाते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त के कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी हम तालियां बजाते हैं। धीरे धीरे हमारी ताली बजाने की आदत सी हो जाती है और हम ताली बजाने लग जाते हैं। और बड़े होने पर पूरे राष्ट्र के कोई इवेंट होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट होता है, तो भी हमको मालूम होता है भाई हमें तो तालियां बजाना है, हम ताली बजाते हैं। आगे चल करके हमको यह एहसास होता है कि हम तो ताली बजाते रह गए लेकिन हमारे साथ के जो साथी थे वो तो हमसे कहीं आगे निकल गए। एक क्रिकेटर जिसने 16, 18, 20 साल से खेलना शुरू किया था वो तो आगे आने वाले 5-6 वर्षों में बड़ा सुपरस्टार बन गया है। एक बॉलीवुड का हीरो भी जो अदना सा था, सामान्य सा था, वो भी बहुत बड़ा कलाकार बन गया है और हम ताली ही बजा रहे हैं। आज जब रीड फॉर फ्री का कॉन्सेप्ट लेकर के मैं लोगों के पास जाता हूं, उनसे मिलता हूं, स्टूडेंट्स से साक्षात्कार करता हूं, तो यही चीज का एहसास दिलाता हूं कि तुम्हारे अंदर भी वही सब कुछ है जो दूसरे के अंदर है। तुम दूसरों के लिए कब तक तालियां बजाते रहोगे? तुमने दूसरों के लिए बहुत तालियां बजाई हैं। आज जहां हो, जैसे हो, वैसे ही शुरुआत करो। तुम भी विजेता हो सकते हो। अंतर केवल एक सोच का है। एक विनर यह सोचता है कि वह कर सकता है, प्रॉब्लम तो है पर वो कर सकता है, और एक लूजर ये सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, मैं ना कर पाऊं। केवल सोच का फर्क है। अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलिए। और यह कैसे होगा? दोस्तों के साथ गपशप करने से नहीं होगा। जब आप बहुत अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। रीड फॉर फ्री के अंतर्गत हम यही कर रहे हैं। यदि आप किताबें नहीं खरीदना चाहते हैं तो हमसे ले लीजिए। यदि कोई पुरानी किताब आपके या दोस्तों के पास पड़ी हो तो हमको दे दीजिए ताकि हम उसको नीडी तक पहुंचा सकें।